पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आज तुरकौलिया प्रखंड के ई किसान भवन में प्रखंड स्तरीय रवि महोत्सव सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित तुरकौलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार एवं तुरकौलिया अंचलाधिकारी पिंटू कुमार के साथ साथ कृषि कोऑर्डिनेटर ब्रजेश कुमार, उमेश कुमार, कृषि सहायक तकनीकी प्रबंधक राजेश कुमार, रेणु कुमारी, कृषि सलाहकार अरविंद कुमार, राजेश कुमार वर्मा, अखिलेश कुमार, अशोक कुमार सिंह आदि सभी पदाधिकारियों ने किसानों को जागरूकता का संदेश दिया तथा किसानों को अन्नदाता मानते हुए उनका अभिवादन किया और किसानों को कम लागत में अधिक पैदावार कैसे की जाए इसके बारे में जानकारी दी थी। प्रखंड स्तरीय रवि महोत्सव का अध्यक्षता कृषि कोऑर्डिनेटर ब्रजेश कुमार के द्वारा की गई। रवि महोत्सव में उपस्थित किसानों को खाद एवं बीज के वितरण के बारे में समझाते हुए कृषि कोऑर्डिनेटर ब्रजेश कुमार की आंखें नम हो गई। उनका कहना है कि हम लोगों को अच्छी वैरायटी का बीज मिलता है जो हम लोग किसानों को देते हैं ताकि उनका उपज अधिक हो, लेकिन कुछ किसान इस बात को नहीं समझते। अभी हमारे प्रखंड में चना, मसूर, मटर, गेहूं के बीज से लेकर सब बीज उपस्थित है जो किसानों को मुफ्त में दिया जा रहा है। जिन किसानों को बीज की जरूरत है वे सभी लोग बीज ले सकते हैं। जो बीज की लागत मूल्य होगा उसके खाते से वापस भेज दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई कालाबाजारी नहीं किया जाएगा। किसान हमारे अन्नदाता है, हमेशा हम लोग किसानों के साथ हैं। यह हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक करें। नमस्कार, मैं आरएनएन भारत से दयाकांत गिरी, प्रखंड रिपोर्टर तुरकौलिया। अभी मैं तुरकौलिया प्रखंड के ई किसान भवन के जीरो ग्राउंड पर उपस्थित हूँ, जहाँ प्रखंड स्तरीय रवि महोत्सव सह प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ चालू होना है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो रमेंद्र कुमार हैं आ गए हैं, दीप की प्रज्वलित वहीं करेंगे। आइए मिलकर अंदर चल के जानते हैं कि वहाँ जो हमारे किसान हैं उनको किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको उनकी आय को दोगुना किस प्रकार किया जाएगा। इस संबंध में हमारे कृषि पदाधिकारी क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं। नमस्कार। अच्छा किया सर, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा सर। और हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, जो यहाँ किसान उपस्थित नहीं थे उनको भी जानकारी मिले सर। बिल्कुल, जैसे कि किसान भाई हमारे कुछ अज्ञानतावश कहा जाएगा, जान नहीं पाते हैं और पूरे खाद को DAP हुआ, जिंक और सब एक साथ मिला देते हैं, जिससे वह रासायनिक प्रतिक्रिया करने के बाद में जिंक का भी गुण खत्म हो जाता है और DAP गुण भी ह्रास हो जाता है। इससे अगर उनको अलग अलग प्रयोग कैसे किया जाएगा बताया गया है, इससे सबको लाभ होगा और उससे जो भी लाभ होना होगा अगले फसल में हो जाएगा। ठीक है सर, नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार वर्मा, जयसिंहपुर पूर्वी पंचायत का मैं किसान सलाहकार हूँ और इस रवि महोत्सव में भाग लेने के आए। ठीक है सर, नमस्कार। संबोधन कर रहे थे के बारे में कर रहे थे, कुछ बोला था जी, मतलब 10 रुपए प्रति पौधा की किसानों को पौधा मुक्त किया जाएगा जी 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 जी, उसके सुरक्षा के लिए 3 साल तक उनको राशि भी मिलेगी जी। और अगर वो 50% पौधा सुरक्षित रखते हैं तो 60 रुपये प्रति पौधा की दर से उनको राशि मिलेगी 3 साल के बाद जी। उसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना होगा? हाँ, एक फॉर्म आता है वो अप्लाई करना पड़े, उसके साथ आधार कार्ड, खाता संख्या और जिस जमीन पे वो लगा रहे हो वो रसीद देना होगा। ठीक है, नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए जी। प्रीति कुमारी। R9 भारत के लिए दयाकांत गिरी की रिपोर्ट, तुरकौलिया।